दोस्त नमस्कार, नानजी पामिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं सत्यजीत, आज हम चर्चा करेंगे मैरिज लाइन के ऊपर। हम चर्चा करेंगे आज, तो मेरा जो सब्सक्राइबर हो, बहुत दिनों से मेरे को कमेंट किया था मैरिज लाइन के ऊपर कुछ विशेष आलोचना करने के लिए। तो दोस्तों, कॉमनली हमारे हाथों में जो रेखाएं होती है, हमारा जो पर्वत होती है, नौ पर्वत हाथों में, जो गुरु, बृहस्पति, शनि, रवि, जो सूर्य, बुध, हमारा शुक्र ग्रह, चंद्रमा, मंगल की निम्न स्थान एवं मंगल की उच्च स्थान होती है, जो राहु और केतु के स्थान। तो ये नौ ग्रहों में हमारे जीवन की चाल चलती है। हमारा जो जीवन चक्र होती है, तो हमारा ग्रहों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस ग्रहों के बावजूद भी हमारा हथेली में जो रेखाएं होती है, हमारा जीवन शास्त्र में कहती है, जो पिछले जन्म का कर्म फल हमारा इस जन्म में हमको मिलेगा। तो हस्तरेखा में माना जाती है, जो पिछले जन्म का कर्म जो करके आए हैं हम इस जन्म में, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट हमको मिलेगा। जो अच्छा कर्म करेगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसका लॉस होगी। तो चर्चा करेंगे आज हम मैरिज लाइन के ऊपर। तो दोस्तों, हमारे हाथों में कॉमनली जो रेखाएं होती है, हमारा जो लाइफ लाइन होती है इधर से, इसको हम आयु रेखा कहती है, लाइफ लाइन। और गुरु की ओर से यहाँ आती है हमारा ब्रेन लाइन, जिसको मस्तिष्क रेखा कहती है, और इधर से हमारा हार्ट लाइन जाती है। तो दोस्तों, हमारा लिटिल फिंगर के नीचे पर्सन और हार्ट लाइन के फ्रंट, जो इधर का, इधर से इधर तक जो पर्सन होती है, इस स्थान को हम मैरिज लाइन डिटरमिनेट करती है। इधर से हम 50 एज मानते हैं। तो 50 साल अगर दो पर्सन में बांटते हैं, तो एवरेज 50 इयर्स हम मैरिज लाइन को डिटरमिन करते हैं। तो दोस्तों, अगर 50 इयर्स हो, तो हमारा बीच में अगर मैरिज लाइन हो किसी का, तो उसको हम 25 इयर्स मानते हैं। तो 25-24 बीच में उसका शादी होगी। अगर किसी व्यक्ति का बीच में से अगर हार्ट लाइन की ओर से कोई रेखाएं बनती है, तो हम मानते हैं जो 21-23 के बीच उसका शादी होने का योग दिखाई दे रही है। अगर बीच में से कोई उधर अगर कोई रेखा बनती है, तो हम मानते हैं 27-28 के बीच शादी होने का योग दिखाई दे रही है। तो बीच में से अगर लिटिल फिंगर की ओर कोई रेखा जाती है, तो वो ज़्यादा उम्र में शादी होगी उसका। अगर बीच में से हार्ट लाइन की ओर कोई रेखा बनती है, तो हमको समझना चाहिए बिफोर 25 उसका मैरिज होने का योग दिखाई दे रही है। अगर किसी के हाथों में बिफोर मैरिज, हमारे हाथों में छोटा छोटा रेखाएं होती है, बड़ी एक रेखाएं होती है, उसको हम मैरिज लाइन बोलते हैं, परफेक्ट मैरिज लाइन हो उसका विवाह रेखा बोलते हैं। अगर छोटी छोटी रेखाएं होती है, शाखाएं रेखा, तो रेखाओं को हम अट्रैक्शन लाइन कहते हैं। अगर मेल हो तो फीमेल की ओर से अट्रैक्शन होती है, अगर फीमेल हो तो मेल के ऊपर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण
होती है। तो विवाह के पूर्व अगर होती, विवाह रेखा की पहले अगर छोटी छोटी लाइन दिखाई दे रही है तो अट्रैक्शन लाइन बिफोर मैरिज। जो कोई संबंध बनेगा, कोई लड़का हो तो लड़की के साथ संबंध बनेगा, कोई शारीरिक संपर्क हो, कोई अटैचमेंट हो सकती है उसी उम्र में बिफोर मैरिज। अगर आफ्टर मैरिज कोई विवाह रेखा बड़ी रेखाओं के पश्चात कोई छोटी छोटी शाखा रेखा बनती है तो विवाह के पश्चात उसका किसी दूसरे के साथ अटैचमेंट होने का योग दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगर हाथों में विवाह रेखा स्पष्ट और निर्दोष हो, एक ही रेखाएं हो, तो उसको परफेक्ट मैरिज लाइन बोल सकते हैं हम, क्योंकि ऐसे मैरिज लाइन होने से सुखी विवाह होती है और बहुत सुख से जीवन यापन करती है। अगर किसी के हाथों में एक ही रेखा, दोनों रेखा एक ही साइज का हो तो उसका दो विवाह होने का योग दिखाई देती है। अगर एक समान दो रेखाएं होती है हाथों में तो दो विवाहों की संभावना ज्यादा ही बनती है। अगर किसी की हाथों में एक ही विवाह रेखा हो और विवाह रेखा झुक के हार्ट लाइन की ओर आती है तो विवाह विच्छेद होने का योग ज्यादा बनती है, क्योंकि अगर कोई विवाह रेखा हार्ट लाइन की ओर टच होती है तो हार्ट लाइन की ओर झुक जाती है तो उसका डिवोर्स होने का संभावना, हस्बैंड वाइफ के बीच विच्छेद होने का संभावना ज्यादा ही बनती है। कोई डिवोर्स नहीं तो प्रॉब्लम, बड़ी दिक्कत हस्बैंड वाइफ के बीच अनबनी ज्यादा ही बनती है अगर कोई मैरिज लाइन हार्ट लाइन की ओर झुक जाती है तो। अगर हमारे हाथों में विवाह रेखा हो और मंगल रेखा दिखाई दे रही है, अगर हमारे हाथों में, इसको हेल्प लाइन हम कह सकती है, गार्ड लाइन, तो अगर ऐसी रेखाएं बनती है तो व्यक्ति का अपनी पत्नी की सहायता बहुत मिलने वाला होती है। अगर इस रेखाएं होती है तो बहुत सुखी भी होती है अपनी पारिवारिक जीवन में। अगर किसी की विवाह रेखा में कोई गैप नजर आती है तो, हाथों में कोई विवाह रेखा गैप नजर आती है तो उसका विवाह होना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, विवाह होने का योग बहुत कम नजर आती है अगर किसी के हाथों में ऐसी काटी टूटी फूटी रेखाएं होती है विवाह रेखा में। अगर स्पष्ट कोई रेखाएं होती है तो वो परफेक्ट मैरिज लाइन मानते हैं। अगर किसी के हाथों में सन लाइन हो, उसके साथ विवाह रेखा भी होती है तो बहुत सुखी होती है अपनी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति। अगर दोस्तों किसी के हाथों में सूर्य रेखा से कोई शाखाएं ऐसी हार्ट लाइन को टच कर जाती है शनि के स्थान की ओर, शनि की दिशा में, तो उसका अरेंज मैरिज होने का योग ज्यादा ही बनती, लव मैरिज का योग ज्यादा ही बनती है। अगर किसी की हाथों में बुध क्षेत्र की ओर कोई हेल्प लाइन अगर सूर्य रेखा को मिलती है तो उनका लव मैरिज होने का योग ज्यादा ही बनती है। तो दोस्तों, आज हम विशेष बात नहीं करेंगे, आज वीडियो में इतना ही। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम डालने से पहले आप जरूर बताइए कौन सी विषय में हम बात करेंगे, कौन सी विषय में हम वीडियो डालेंगे। दोस्तों,
चैनल को अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार। भगवान सबको भला रखे, भगवान सबको मंगल रखे, आपका माँ बाप अच्छा रहे। नमस्कार।